ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार में आज आपका स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील करूंगा मैं। आज बड़ा मेरे को दुख हुआ, एक इंसिडेंस हुआ, तो उसके लिए उपाय भी बताता हूँ मैं क्या करना चाहिए हमें। वैसे तो सबको पता है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों निगलेक्ट करते हैं लोग इन चीज़ों को। मेरे सामने दो कारें थी लाइट पॉइंट पे। जब मैं लाइट पॉइंट से तकरीबन पहुंचा ही था तो वहाँ पे एक टाइमर लगा हुआ है जिसमें 120 सेकंड दिखा रहा था, यानी कि 2 मिनट दिखा रहा था मेरे को रेड लाइट पे रुकना पड़ेगा। मेरे आगे वाली गाड़ी, उसका ड्राइवर हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है। अगले वाला जो था उसे, यानी कि सबसे पहले जो लाइन में लगा हुआ था, उसको पुश कर रहा था कि वो गाड़ी बढ़ाए ताकि मैं भी गाड़ी निकालूं। उसने गाड़ी बढ़ा ली आगे और वो सीधा आके बस से टकराया और उसका एक्सीडेंट हो गया। गलती किसकी है दोस्तों इसमें? क्या गाड़ी बढ़ाने वाले की या पीछे से हॉर्न मारने वाले की? दोस्तों गलती दोनों की है, ज़्यादा गलती पीछे हॉर्न मारने वाले की है। दोस्तों दो बातें हैं, या तो हम पहले ही टाइम उस हिसाब से सेट करके चले, 10 या 15 मिनट 20 मिनट पहले चलें जहाँ जबकि हमने पहुँचना है, तो हमें सेटिंग पता हो कि इस टाइम से हमने पहुँचना है और रास्ते में ट्रैफिक भी मिलना है। या अगर आपको ट्रैफिक लाइट पर रुकना पड़ गया तो इतनी पेशेंस तो हम रखें उसके लिए। टाइम बताने के लिए काम भी बता देता हूँ मैं आपको। म्यूज़िक चला लो, रेडियो चलता है, दुनिया भर के चैनल्स है रेडियो के, कुछ भी कोई तो ढंग का आपके मतलब का कोई सॉन्ग चलता होगा, कोई इन्फॉर्मेशन आती होगी, कोई न्यूज़ आती होगी, वो इंजॉय कर लो। दिमाग डाइवर्ट करो उसे कि मेरे को भी 2 मिनट रुकना पड़ रहा है, 2 मिनट भी रुकना नहीं पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं। दिमाग डाइवर्ट कर लो, फोन पे कोई इंपॉर्टेंट कॉल आई है उसको देख लो, चेक कर लो फोन को। Gaana.com चल रहा है आजकल, उसमें से कोई ना कोई गाना चला लो यार, थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा कूल करके चलो। ट्रैफिक को इतना होता है और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, कहीं पे कुछ भी थोड़ा सा हो गया तो वैसे ही आजकल दिमाग बहुत गर्म है सबके, और दूसरा ऊपर से उसका एक्सीडेंट हो गया, वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो गई। सिर्फ 2 मिनट रुकने के चक्कर में उस बंदे की परेशानी हो गई। तो दोस्तों मैं इन चीज़ों को बहुत स्पेशली मैं अपील करता हूँ, इन चीज़ों को प्लीज़ पेशेंस रखा कीजिए। जो भी ट्रैफिक लाइट है कहीं भी आप रुके हो तो वहाँ पे पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है। पार्क गाड़ी जरा ढंग से करें हम, तो वो हमारे लिए तो खैर आसानी है, दूसरों के लिए भी आसानी हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी दूसरों के लिए भी। गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक जाम लग जाते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को हम ध्यान रखें तो हमारे लिए अच्छा है, और एक बेहतर हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि इन चीज़ों को हम बेहतर कर पाएं। उम्मीद है दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। जिन लोगों को ये जल्दबाजी रहती है उनके लिए क्या उपाय है, या तो पहले निकलो या फिर उस चीज़ को दिमाग डिवाइड करो, कहीं ना कहीं और ध्यान लगाओ अपना, दूसरे परेशान ना हो। चलिए दोस्तों आज हम अगला वीडियो अपना, आज का वीडियो दोस्तों डिमांड के ऊपर। डिमांड क्या थी? कमेंट आए थे अल्ट्रोज का मुकाबला i20 जैज फ्री स्टाइल से मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि अकेले अकेले करूँगा तो 5 वीडियो बन जाएंगी और उनका कोई मेरे हिसाब से अभी कोई तुक नहीं बनता जब तक इसके वेरिएंट्स के हिसाब से इसके प्राइसेस हमें नहीं पता लगते अल्ट्रोज के। तो दोस्तों शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो, लेंथ विड्थ हाइट और इंजन्स की बातें करेंगे, और इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा आंकड़े लेके जाती है गाड़ी उसकी बात करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों पहले डायमेंशन से, लेंथ विड्थ और हाइट। पहले अल्ट्रोज की दोस्तों व्हील बेस है 2501 mm, लेंथ 3988 mm, विड्थ 1754 mm और हाइट 1505 mm है। टायर साइज इसका है 17 इंच का और बूट स्पेसिस में 340 लीटर की हमें मिल पाएगी। वहीं पे अगर i20 को देखें तो 2570 व्हील बेस, लेंथ 3985, विड्थ 1734, हाइट 1505 और टायर साइज इसका 15 और 16 इंच दोनों मिल जाते हैं। बूट स्पेस इसमें कम है 285 लीटर का। जैज की बात करते हैं, व्हील बेस 2530 mm, लेंथ 3955 mm, विड्थ 1694 mm, हाइट 1544 mm और टायर साइज 15 इंच का है इसमें। बूट स्पेस 354 लीटर का है इसमें। अब अगर फ्री स्टाइल पे आते हैं दोस्तों, इस लॉट में सबसे छोटी गाड़ी है, प्रीमियम हैचबैक नहीं है लेकिन फिर भी इसके इंजन के लिए, या कमेंट्स आए थे कि इसके साथ इसका एक कंपटीशन करके दिखाओ, तो उस लिए है ये गाड़ी साथ में लगाई हुई। इंजन्स नो डाउट इसके किसके कंपटीशन वाले हैं। चलिए, व्हील बेस 2490 mm, लेंथ 3954 mm, व्हील विड्थ इसकी बात करें 1737 mm, 1737 mm, हाइट की बात करूँ तो 1570 mm, हाइट में सबसे बड़ी है ये। टायर की बात करूँ तो वो 15 इंच के अंदर आते हैं इसमें। बूट स्पेस सबसे छोटा है 257 mm का।
अब दोस्तों अगर लेंथ विथ हाइट के हिसाब से मैं अलग अलग बाइफरकेशन करूँ तो बलेनो को मैंने शामिल नहीं किया, बलेनो का मैंने पहले इसके साथ कर रखा है। आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको सारी डिटेल उसकी आ जाएगी उसके अंदर, जो बलेनो के साथ अल्ट्रोज का मैंने कंपटीशन कर रखा है। लेंथ में दोस्तों इसमें बलेनो शामिल है, लेकिन इस सारे लॉट में लेंथ में बलेनो सबसे बड़ी है, 3995 mm की है ये। विड्थ में अल्ट्रो सबसे बड़ी है, 1754 mm है। और टायर साइज दोस्तों सबसे बड़े मिल जाते हैं हमें, R17 टायर्स मिल जाते हैं हमें अल्ट्रोज के अंदर। तो दोस्तों व्हील बेस i20 का सबसे बड़ा जो 2570 mm है। ये दोस्तों क्लियर होगी चीज़ें। अब हम बात करते हैं इंजन्स की। इंजन्स में दोस्तों जैसे हम फ्री स्टाइल पर देखें, एक इंजन पेट्रोल डीजल, अल्ट्रोज पेट्रोल डीजल, दो पेट्रोल के एक डीजल का, बलेनो के पास भी ऐसी ही है, दो पेट्रोल के एक डीजल का, जैज के पास पेट्रोल डीजल दोनों है, i20 के पास भी ऐसे ही हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अल्ट्रोज का। पहले 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो टियागो वाला इंजन है, एक तो वो लोअर वेरियंट के अंदर आएगा, एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो वो इंजन आएगा, टर्बो चार्ज इसको बोल सकते हैं, वो नेक्सन वाला इंजन थोड़ा डी ट्यून करके उसको इसके अंदर डाला जाएगा, तो हायर वेरिएंट होंगे। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन की अभी गुंजाइश है, ऑटोमेटिक अभी कोई भी पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन फिर भी इनको ऑटोमेटिक देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 85 PS की दोस्तों छोटे इंजन में और 102 PS की बड़े इंजन में पावर होगी, 114 Nm की टॉक छोटा इंजन और 140 Nm की टॉक बड़ा इंजन दे पाएगा। प्राइजेज 5.5 से 8.25 लाख रुपये तक के इसके वेरियंट्स के प्राइजेस होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में भी बात नहीं करते, अभी बाइफरकेशन ही देखते हैं। i20 में 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन एक ही आता है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT के साथ ये इंजन आता है, 102 PS की पावर के साथ 150 Nm की टॉर्क जनरेट करता है। कीमत 5.5 लाख से लेकर 9,11,000 तक इसकी कीमतें एक्स शोरूम जाती हैं। जैज की बात करते हैं, 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT दोनों के साथ आता है, 90 PS की पावर जनरेट करता है 110 Nm की टॉर्क के साथ, 7,40,000 से लेकर 9,23,000 तक इस सारे लॉट में सबसे महंगी गाड़ी ये बन जाती है। अब आते हैं फ्री स्टाइल के ऊपर, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 95 PS की पावर और 120 Nm की टॉर्क जनरेट करता है, 5,43,000 से लेकर 8,03,000 तक इसकी कीमतें चली जाती हैं। अब दोस्तों मेन खासियतों की बात कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या है। अल्ट्रोज डुअल टोन सन रूफ आएगी इसके अंदर, और इसके अंदर जो दो पावर मोड्स आते हैं वो आएंगे इसके अंदर, मॉडर्न लुक्स हैं इसकी। और सबसे बड़ी सबसे अलग बात इसके अंदर है कि फ्री स्टाइल की तरह इसके अंदर भी ज़्यादा क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया गया, ज़्यादा का क्रोम का इस्तेमाल तो किया ही नहीं गया। बाहर हमें ब्लैक में मैट और ग्लॉस का कॉम्बिनेशन बना नजर आता है, इंटीरियर में भी वैसे ही है, लेकिन क्रोम का इस्तेमाल कहीं नहीं है, ये एक अलग चीज़ है इसके अंदर। और व्हील बेस ठीक ठाक है, लेकिन टायर का साइज सबसे बड़ा है, वो चीज़ें दोस्तों इसको थोड़ा सा अलग करती हैं। अब i20 के पास क्या अलग है, i20 अपनी फिट और फिनिश के कारण जानी जाती है, व्हील बेस बड़ा होने के कारण ग्रिप अच्छी करके जानी जाती है, और लुक्स इसकी मेरे को ठीक लगी, अच्छी लगी मेरे को लुक्स इसकी। और अपने सेगमेंट में लोडेड विद फीचर्स ये गाड़ी आती है, कई सारे फीचर्स ऐसे हैं जिसको कई सारी गाड़ियाँ नहीं देती। बट इसमें क्या कमी है सबसे बड़ी, थोड़ी सी ओवर प्राइस गाड़ी लगती है सारी सेगमेंट्स के अंदर, सारी वेरिएंट्स के अंदर। तो दोस्तों अगर जैज़ की बात करें तो जैज़ में क्या है, जैज़ में बहुत अच्छा रिफाइंड इंजन मेरे को लगा, ठीक इंजन है, साइलेंट इंजन है, होंडा का भरोसा है उस इंजन के साथ, होंडा का सर्विस नेटवर्क अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस गाड़ी के साथ ये है कि इसमें लोअर वेरिएंट्स ही नहीं आते, 7,50,000 का जो वेरिएंट है उससे इस गाड़ी शुरू हो रही है। तो छोटे वेरिएंट्स के अंदर गाड़ी का ना होना एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, और इसको थोड़ा अपडेट भी नहीं किया गया, वैसी ही गाड़ी उठा के ये भटक दी गई, जो इसके अंदर मैजिक सीट्स थी वो भी नहीं डाली गई दोबारा इसके अंदर। चलो और अगर हम फ्री सेल की बात करें तो फ्री सेल के अंदर बहुत बेहतरीन पैकेज है, 6 एयरबैग के साथ हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी ARP जिसको बोलते हैं, एक्टिव रोल ओवर प्रोटेक्शन वो इसके अंदर डाल दी गई है, सेफ्टी के अंदर सबसे बेहतरीन गाड़ी बन जाती है। और कमियां, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले डाल तो दिया, लेकिन जो मॉडर्न एज के फीचर्स हैं जैसे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और डे टाइम रनिंग लाइट्स वो इसके अंदर डाली नहीं गई, इसके लिए थोड़ी सी है डाउनफॉल आ जाती है। रियर बेंच के ऊपर कोई भी स्पेस किसी बॉटल होल्डर वगैरह की या मैगजीन होल्डर की नहीं है, पीछे बैठने की स्पेस रियर स्पेस कम है, तो ये दोस्तों इसके लिए थोड़ी सी ड्रॉबैक्स हैं, इसलिए गाड़ी थोड़ी इसके डीजल के इंजन, डीजल इंजन में दोस्तों अभी कयास है, लेकिन 4 सिलेंडर जो टर्बो चार्ज इंजन 1497 cc का इंजन जो नेक्सन के अंदर चल रहा है वही इसके अंदर आने की गुंजाइश है। अल्ट्रोज में भी 90 BHP का इंजन होगा वो, लेकिन
स्टॉक का कुछ आइडिया नहीं है अभी, है कितना है, इतनी होगी उम्मीद है कि 210 और 220 के बीच में होगी। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन ये गाड़ी आएगी, ऑटोमेटिक का भी कुछ अता पता नहीं है। i20 की बात करें, 4-cylinder टर्बो चार्ज 1396 cc का इंजन इसका है, जो 90 Nm की टॉक, 220 Nm की टॉक, 90 PS की पावर के साथ जनरेट करता है। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी आती है। अब दोस्तों जैज़ की बात करें तो उसमें इंजन भी बड़ा है, 1-4 cylinder का टर्बो चार्ज 1498 cc का इंजन है, जो 100 PS की पावर 200 Nm की टॉक के साथ जनरेट करता है। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है ये गाड़ी। और अब फ्री स्टाइल की बात करें तो इसका जाना माना इंजन, भरोसे वाला इंजन उसकी बात करते हैं तो 1.5 liter का 4-cylinder 100 PS की पावर 215 Nm की टॉक के साथ जनरेट करता है वो। ये भी गाड़ी 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। तो दोस्तों इस सारे लॉट के अंदर अगर हम देखें तो अल्ट्रोज़ कहाँ ठहरती है, अल्ट्रोज़ में पावर ज़्यादा है, बड़ी गाड़ी है, मॉडर्न लुक्स है, तो ये गाड़ी कंपटीशन में खरा उतरने के लायक तो है। देखते हैं अब आगे जाके क्या बनता है। अभी तक फिलहाल बेस्ट हैंडलिंग वाली गाड़ी मेरे को अभी भी, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी अभी भी फ्री सेल लगती है, सिर्फ उसकी 2-3 कमियाँ छोड़ के, मॉडर्न एज फीचर ना होना और पीछे की जो रियर सीट है उसके अंदर ज़्यादा ऑक्यूपेशन ना होना कि बॉटल होल्डर नहीं है, मैगजीन होल्डर नहीं है और थोड़ी सी जगह की कमी, 3% बड़ा फंस के बैठते हैं उसके अंदर बस। तो अभी तो फिलहाल तो ये कंपटीशन में इतना ही है। बताइएगा ये कंपटीशन आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय।